नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 10वीं कक्षा के 1.16 लाख छात्र प्रमोट, 30 मई तक 11वीं कक्षा में होंगे दाखिले। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हिमाचल सहित कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के नए मामले। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 3,084 केस, कांगड़ा में 1,526 मामले, 51 की मौत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सहजल बोले, जीएस बाली को नहीं मेरी परफॉर्मेंस जानने का हक, केवल सीएम जयराम ठाकुर को। राजीव शुक्ला बोले, गांधी हेल्पलाइन कोरोना से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। हिमाचल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं कमी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। रामपुर में आसमानी बिजली ने ली दो की जान, भरमौर में फटा बादल, 30 भेड़ बकरियां मलबे में दबी। मंडी के करसोग में सिलेंडर फटने से मकान में लगी आग, घर का मालिक जिंदा जला। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के 1.16 लाख विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को 30 मई तक 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोल ऑन आधार पर 11वीं कक्षा में दाखिला देने को कहा है। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों को हर घर पाठशाला कार्यक्रम में कक्षाएं लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। देश में छाए कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रोजाना कोविड के नए मामलों और मौतों में गिरावट देखी गई है। कुछ राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, जबकि हिमाचल सहित कई राज्यों में नए मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। देश में कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मामलों के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में रोजाना कोविड के मामलों और मौतों में गिरावट की शुरुआती प्रवृत्ति देखी गई है। जिन राज्यों में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, उनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी नए मामलों में कमी आई है। उधर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल में नए मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 1 लाख पार हो गया है। अब तक 1,02,285 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में आज कोरोना के 3,084 मामले आए हैं, वहीं 2,884 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। आज अब तक 51 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 21, सोलन में 9, शिमला में 7, सिरमौर व ऊना में 4, मंडी में 3, हमीरपुर में 2 व कुल्लू में 1 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,38,866 पहुँच गया है। अभी 34,577 एक्टिव केस हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,976 है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत और स्वास्थ्य मंत्री के कोविड महामारी के दौर में नदारद रहने के पूर्व मंत्री जीएस बाली के आरोपों पर डॉक्टर राजीव सहजल ने पलटवार किया है। हमीरपुर पहुंचे डॉक्टर सहजल ने बाली पर निशाना साधते हुए उन्हें बहरूपिया करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जीएस बाली प्रदेश के सीएम बनने का सपना देखते हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने जीएस बाली को दृष्टि दोष होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाली द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना वो उचित नहीं समझते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जानने का हक केवल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं से प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का आह्वान करते हुए कहा कि इस गंभीर चुनौती से सभी को एकजुट होकर निपटना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित गांधी हेल्पलाइन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शुक्ला ने ये बात पार्टी विधायकों, पूर्व विधायकों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना की पहली लहर के दौरान भी लोगों की खुलकर मदद की थी। दूसरी लहर के आते ही प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद के प्रति मैदान में उतार दिया है और सभी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं। हिमाचल के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड महामारी के दौरान मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी भी जिले में इस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यकता और मांग के अनुसार इस इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी को रेमडेसिविर के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। राज्य के पास वर्तमान समय में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश भर में कुल 6425 रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टॉक में उपलब्ध हैं। इनमें से लगभग 2300 रेमडेसिविर इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के राज्य भंडारण केंद्र में हैं, जबकि 4125 इंजेक्शन विभिन्न जिलों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि व बादल फटने से व्यापक नुकसान हुआ है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर के तहत सराहन में आसमानी बिजली से दो नेपाली मजदूरों की मौत हो गई है। माशनु क्षेत्र में दो नेपाली मजदूर खेतों में काम पूरा कर घर लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच भारी बारिश शुरू हो गई। दोनों ने इससे बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिर गई और दोनों की इसकी चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। चंबा जिला में भरमौर की पूलन पंचायत में बादल फटने के बाद आए मलबे में दबकर 30 के करीब भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। मंडी जिला के उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत थाज थर्मी के कमांड गांव में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां पर सिलेंडर फटने से 4 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में 52 वर्षीय मकान मालिक झांसी लाल जिंदा जल गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार करसोग घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 15,000 की राशि जारी की गई। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।